प्रकार से भ्रष्टाचार किया है। ये तो जंगल राज है, सुना था कि जंगल राज होता है, आज हमने देख भी लिया जंगल राज और यूनियन टेरिटरी के अंदर देखा। आदरणीय गवर्नर साहब रोज चिट्ठी लिख देते हैं, रोज पत्र लिख देते हैं, इसके ऊपर उनका क्या कहना है? यूनियन टेरिटरी के कस्टोडियन हैं और यहाँ पर पंजाब का राज लागू नहीं होता है। जो सरकार कर रही है वो तो कर ही रही है, सरकार जिस प्रकार से हरकतें कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन यूनियन टेरिटरी इसका मतलब सब लोग इकट्ठे हैं। तो मैं इस बात की निंदा करता हूं। गलत केस में, जो केस अकाली दल के समय ये केस हुआ था 2015 की मेरे को लगता की बात है, उसके बाद ये केस टू कोर्ट हो गया है, इसमें कोई कुछ रहा ही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का भी मेरे को लगता है, मेरे को फैक्ट्स नहीं पता है केस के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ कॉग्निजेंस लिया था। आई डोंट नो, ऑल ऑफ सडन 15-23 अब क्या हो गया। तो मैं इसकी पूर्ण निंदा करता हूं और मैं समझता हूं कि पंजाब पुलिस के साथ साथ चंडीगढ़ पुलिस भी मिली हुई है। और क्यों मिली हुई है चंडीगढ़ पुलिस की, समझ सकते हैं? जिस तरीके से कांग्रेस के लीडर पर मामले लगातार दर्ज हो रहे हैं, मनप्रीत बादल के ऊपर, हालांकि वो भाजपा में छोड़ो यार मनप्रीत की बात, वो भाजपा, लेकिन तीन मंत्री आपने, हमने कभी कोई केस हुआ हमने डटकर मुकाबला किया। पिछले बहुत दिन पहले जिनको पकड़ा कभी पकड़ा, हमने जमानत कराई, हम लड़ रहे हैं। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि हम मर नहीं जाएंगे, जो होना है वो होके रहना है, लेकिन जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है ये मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये जंगल राज है। और मैं समझ नहीं आता पुलिस का, आदरणीय मैं तो बहुत समझदार व्यक्ति समझता था गौरव यादव जी को, पर क्या हो गया गौरव जी, बिल्कुल ही आपने तो पुलिस क्या रुझाना क्या हो रहा है? इनका खुद का आम आदमी पार्टी के एमएलए पुलिस की निंदा कर रहा है, एसएसपी की 25 लाख का आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि पीटा जा रहा है मेरे ऊपर, उसको खुद एमएलए कह रहा है कि उसको पीट कर ये कहा जा रहा है कि भैया तुम बताओ इसका नाम लो एमएलए का, कौन सुरक्षित है? वकील को पकड़ लिया है, वकील के साथ क्या हुआ है जो आज फ्रंट पेज की न्यूज है पूरे पंजाब में देश में, उस वकील के साथ हुआ क्या है ये आप सब जानते हैं। और जिस प्रकार से घेरे में पंजाब पुलिस आई है, उसने तो गिराफ ही गिरा दिया, पंजाब पुलिस का नाम मिट्टी में मिला दिया। आदरणीय बीजेपी साहब जागो, ऐसे मत करो, खाली खाली कुर्सी खाली पद ये सब कुछ नहीं होता। देखो कांग्रेस हाईकमांड कौन है? कांग्रेस हाईकमांड हर चीज पे नजर रखती है और हाईकमांड हर चीज का पता होता है, पर इस तरह सुबह स्वते बिना गल दसे बिना कोई गल कीत्या इस तरह किसी भी व्यक्ति उरे घरों आके ले जाना, ये बहुत बेहद माड़ी गल है। ये जंगल राज है, पंजाब पुलिस बिल्कुल मर्यादा तो गिर चुकी है। मेरे को कोई शब्द नहीं है उन्होंने वास्ते, मैं कहा कि ऐसे कोई शब्द ही नहीं है कि जेडे मैं इस्तेमाल करा, पर बिल्कुल 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 वर्दी दी गरिमा जेडी है वो उन्हें तजिया उड़ा दित्तियां गई ने। और मैं कहना चाहना कि दो केस इरी जिंदा जागदा उदाहरण ने, एक तो मुक्सर का केस, अगर एक वकील दे नाल जो हरकत हुई है वो वकील नाल उरे मगर तो वकील खड़ गए, मैं पंजाब के लोगों को दसना चाहना है, उरे मगर तक काले कोट आले सारे भरा खड़ गए ते सारा मामला फिट हो गया, उन्हां ते मुकदमा दर्ज हो गया, वो फड़ ले गए। और एक एमएलए जेड़ा सत्ताधारी सरकार दा चीका मार के रो रहा है कि मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करन दी साजिश पंजाब पुलिस उन्हें कुट के मना रही है भी तू मेरा नाल है, ते मैनू दस दे फिर कोई गरिमा तक कितने रही नहीं, गम खब खत्म हो गया, आम बंदा कि सुरक्षित होगा इस पंजाब व्यक्ति तो जो मर्जी फड़ के टेरोरिस्ट बना दो। और तुसी देखिया होना NIA CBI ED तमाम होर एजेंसी इन्होंने तो पंजाब दे विच एक टेरर फैलाता। अच्छा बड़ी से ये हर घरे हर घरे एक टेरर है कि मेरे सुबह उठद NIA ना आ जाए, मेरे सुबह उठद CBI ना आ जाए, खालसा एड वाले बेचारे सेवा करते सी उन्होंने घरे भी बढ़ गई। सो हर बंदे हर पंजाबी दे मन दे विच इक
टेरर पैदा करता पुलिस राज का। दूसरी गल चंडीगढ़ पुलिस जी है गवर्नर साहब के अंडर, मैं थोनू दसना चाहना पंजाब मीडिया ने, इतने रोज गवर्नर साहब चिट्ठी लिखते हैं, रोज चिट्ठी लिखते हैं। अज की हो गया गवर्नर साहब न, गवर्नर साहब माड़ी माड़ी गल का तो पता लग जाता है। फिर चंडीगढ़ पुलिस को कॉलिंग कौन करन कि बिना थोड़े पता होने सब रले मिले हैं जान बुझ के लोगों की अखा च कटा पाएगा। बड़ी साहब एक चीज बताइए, जिस तरीके से बीजेपी लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है सेंटर में, क्या आपको लग रहा है कि स्टेट में आम आदमी पार्टी नक्शे कदम पर? हर जगह ये हो गया भाई, ऊपर भी यार नीचे भी बिल्कुल 100% एजेंसी का इस्तेमाल होता है कि दबा दो गला गुड। लेकिन मैं आपको बताऊं, जहां को राखे साइया मार सके ना कोई, जो लिखा है अभी मैं चला जाऊं अभी एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरा सारा परिवार निकल जाएगा, मर जाएगा मैं अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाए, पता थोड़ी है कि होना कि नहीं होना। कोई किसी को मार नहीं सकता, ये अपनी गलत फहमी दूर कर ले, कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी का गला नहीं दबा सकता जब तक भगवान की कृपा है। तो मैं समझता हूं कि इनको शर्म आनी चाहिए, पुलिस को शर्म आनी चाहिए, सरकार को शर्म आनी चाहिए। मैं तो क्या यार, 2015 तो लेके हम कितने साल हो गए, अज 8-9 साल बाद ऑल ऑफ सडन, पहला भी उस वेले भी जो ये मामला पाया गया सी उदो अकाली दल की सरकार सी, ये उदो सुखबीर सिंह बादल ने यह काम किया, पर बिल्कुल 18 साल बाद जेड़े मामले का कोई लैन नहीं देन नहीं लल्ला नहीं खखा नहीं पब्बा नहीं असी तो सुने नहीं कोई। देखो गठजोड़ की जी गल है, दिल्ली वाले ने जो साडे मन दे भाव सी वारी वारी तुसी गठजोड़ ते लियाउणे, अज गठजोड़ की गल ही नहीं है यार। इस ग्रुप इत्थे एक मिनट, ਤੁਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਲੀਜ਼ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਸ਼ੂ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਬਣੀ ਸਰ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪ, ਔਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੇ ਪਿੱਛੇ? ਸਭ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਭੀ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆਪਦਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ।